नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौकलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे आरटी एडमिशन 2022-23 के बारे में। जी दोस्तों, आरटी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। इससे संबंधित दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे फिक्स आपकी क्या से क्या डेट रहेगी इसके ऑनलाइन फॉर्म की, साथ ही साथ आपके चाइल्ड की एज क्या होनी चाहिए इस बार एडमिशन के लिए, और उसी के साथ आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आरटी 2022-23 से जुड़ी हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर करें, लाइक एम रखते हैं केवल 100 लाइक्स का, तो प्लीज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आते हैं मुद्दे की बात पर और बात करते हैं आरटी ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 की डेट्स के बारे में। दोस्तों आरटी एडमिशन 2022-23 का जो शेड्यूल है वो आपके सामने डिस्प्ले पर है, आप चाहे तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पे डेट्स के बारे में समझा दूं कि किस तरह से आपके इसका प्रोसेस रहेगा। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को इस बार 2 मई 2022 से 15 मई 2022 की डेट्स के बीच भर पाएंगे। जो भी अभिभावक आरटी 2022-23 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे 2 मई 2022 से 15 मई 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी आरटी की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपकी 2 मई 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो बालक का जो लॉटरी है वो आपकी 17 मई 2022 को निकाला जाएगा, और इस लॉटरी के अनुसार आपकी बालक की जो भी रैंक आएगी उस रैंक के अनुसार जो अभिभावक हैं वो संबंधित विद्यालयों में रिपोर्टिंग करेंगे 18 मई से 25 मई 2022 की डेट तक। संबंधित विद्यालय में जो भी आप रिपोर्टिंग कर जो भी आप दस्तावेज जमा करवाएंगे उन दस्तावेजों की जो जांच है वो प्राइवेट स्कूल द्वारा की जाएगी 18 मई से 27 मई 2022 तक। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो करेक्शन या रिजेक्शन संबंधित है वो 18 मई से 18 जुलाई 2022 तक प्रोसेस रहेगा। देन फ्रेंड्स यदि आप ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो उसमें संबंधित संशोधन यानी करेक्शन आप कर पाएंगे 18 मई से 31 मई 2022 की डेट के मध्य। और उसके बाद जो भी आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसकी जांच करेंगे, यानी आपके फॉर्म को दोबारा चेक किया जाएगा 1 जून से 4 जून 2022 तक। और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपके अन्य 4 स्कूल्स हैं, जैसा कि आपको पता है आप आरटी के फॉर्म में टोटल 5 स्कूल भर सकते हैं, तो 5 में से 1 स्कूल के लिए आपके संबंधित ये प्रोसेस हो चुका है। अगर उसमें एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो अन्य 4 स्कूल में आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे 1 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 की डेट के मध्य। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपके सेकेंड राउंड चलेगा, और इस सेकेंड राउंड में आपके उस प्राइवेट स्कूल द्वारा पुनः आपकी दस्तावेजों की जांच की जाएगी 1 जून 2022 से 14 जुलाई 2022 तक। और उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिर से संशोधन कर पाएंगे 1 जून से 16 जुलाई 2022 तक। और उसके बाद आपका उस प्राइवेट स्कूल द्वारा पुनः फॉर्म को चेक किया जाएगा 1 जून 2022 से 18 जुलाई 2022 तक। और फाइनली आपका जो एडमिशन है वो आपके 20 जुलाई 2022 को हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारी आगे की वीडियो में इस शेड्यूल से संबंधित समय समय पर आपको अन्य जानकारी दे दी जाएगी। अभी आप फिलहाल इतना समझ लें कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 2 मई 2022 से 15 मई 2022 के बीच में भरे जाएंगे, तो आप अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देते हैं आपको चाइल्ड एज के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों आरटी 2022-23 में जो एडमिशन है वो आपके एंट्री लेवल कक्षा का नाम फर्स्ट से होगा, यानी पहली कक्षा में ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना है कि भाई आरटी में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसमें प्रवेश केवल और केवल पहली कक्षा में ही होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, अन्य कोई क्लास में नहीं होता है। आप चाहे नर्सरी केजी एलकेजी वो क्लासेस होती हैं उसमें एडमिशन नहीं होता है, केवल पहली कक्षा में यानी फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन होता है। चाइल्ड एज की बात करें तो आपके बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और अधिकतम 7 साल होनी चाहिए, यानी आपके बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के मध्य होनी चाहिए तभी आप 2022-23 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस डेट की बात करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एज को काउंट करने के लिए बेस डेट मानना होगा 31 मार्च 2022 को, यानी 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र अगर 5 वर्ष है तो
तो आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं और 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से अपनी लाइन को दोहरा दूं ताकि आपको कोई शंका ना रहे। आपको बस इतना सा पता करना है कि 31 मार्च 2022 को अगर आपका बच्चा 5 साल का हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र 7 साल से अधिक नहीं हो रही है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपना संदेह शंका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आरटी एडमिशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट जानकारी होती है डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट्स के चलते कई सारे अभिभावक हमेशा परेशान रहते हैं कि फलाना ढिम का डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जॉबलक की आज के स्टूडियो में मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल 3 डॉक्यूमेंट आरटी में एडमिशन के लिए चाहिए। क्या क्या वो 3 डॉक्यूमेंट है इम्पोर्टेंट, वो जानकारी देने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट की, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इसी तरह मोटी होकर आपके लिए वीडियो ला सकें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट की जानकारी की ओर। दोस्तों, जो आरटीए में एडमिशन होता है वो 2 तरह की कैटेगरीज में होता है, यानी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आरटीए में एडमिशन के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है अगर आप दुर्बल वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप एडमिशन करवा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आते हैं तो आप आरटीए में एडमिशन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त समूह से मतलब क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला रास्ता मैंने आपको बताया दुर्बल वर्ग का, इस दुर्बल वर्ग से बस इतना सा मतलब है कि अभिभावक यानी बच्चे के माता पिता दोनों की जो वार्षिक आय है यानी 12 महीने की जो इनकम है वो आपके 2.5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, तब भी आप इस रास्ते के जरिए अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, पहला रास्ता है दुर्बल वर्ग का, और इस रास्ते से एडमिशन करवाने के लिए आपकी जो वार्षिक आय है वो आपके 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कैटेगरी कोई मायना नहीं रखती है। आप चाहे जनरल कैटेगरी से आते हो, OBC से आते हो, MBC से आते हो, SC से, ST से, किसी भी कैटेगरी से आते हो, अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल प्रूफ के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, वो है आपके 2.5 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो कि है आपके असुविधाग्रस्त समूह का। दोस्तों, यदि आप दूसरे रास्ते यानी असुविधाग्रस्त समूह से अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कई सारी यहाँ पे शर्तें दे रखी हैं। कोई एक शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो आप इस रास्ते के जरिए अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत करवा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो है वो है, अगर आप अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देते हैं, इसका मतलब आप असुविधाग्रस्त समूह से आते हैं, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन इस रास्ते से करवा सकते हैं। दूसरा ही, अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तब भी आप करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बच्चा अनाथ है तब भी इस रास्ते से एडमिशन हो सकता है, और अगर बच्चा कैंसर से प्रभावित है तो इससे संबंधित भी बच्चा एडमिशन ले सकता है इस रास्ते से। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यदि जो बालक हैं वो पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग का है और उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तब भी बालक इस रास्ते से अपना एडमिशन आरटी के तहत करवा सकता है। और अन्य यहाँ पे अगर आप BPL कैटेगरी में, जो कि सेंट्रल लेवल तथा स्टेट लेवल के आधार पर हैं, उसमें भी अगर आप आते हैं यानी आपका BPL बन रखा है तब भी आप असुविधाग्रस्त से समूह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि अगर आप पहले रास्ते यानी दुर्बल वर्ग के इस रास्ते से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर 1 यानी पहले डॉक्यूमेंट के तौर पर 2.5 लाख रुपए या उससे कम का आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आप चाहे तो पेन और पेपर पर लिख लें अच्छे से इस बात को, 3 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए 2.5 लाख रुपए या उससे कम आय का आय प्रमाण पत्र, और फ्रेंड्स उसके बाद रह जाते हैं 2 अन्य डॉक्यूमेंट और।
दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र। निवास संबंधी प्रमाण पत्र में केवल मूल निवास होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी आप अन्य कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, उसके बारे में अभी कुछ ही देर में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। इसमें भी आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, इसके अलावा अन्य भी आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स काम में ले सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको यहाँ पे दुर्बल वर्ग के इस पहले रास्ते के तीनों ही डॉक्यूमेंट को क्लियर कट बता दिया है। पहला डॉक्यूमेंट है आपकी 2.5 लाख रुपए से कम या 2.5 लाख रुपए इनकम होने का इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र। और तीसरा डॉक्यूमेंट है बालक की एज संबंधित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे रास्ते यानी असुविधाग्रस्त समूह के एडमिशन के लिए। तो भाई इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट आप ले लें। इनमें से जो भी एक चीज़ आप यहाँ पे रखते हैं, यानी आप मान लीजिए एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आप मान लीजिए अगर बीपीएल से हैं तो बीपीएल आपको चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी इनमें से जो भी आप एक चीज़ अपने पास रखते हैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट के तौर पे चाहिए। और अन्य दो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर वाले वर्ग के समान ही है, यानी निवास संबंधी प्रमाण पत्र और आयु संबंधी दस्तावेज। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि भाई दो ही कैटेगरी से, एक तो दुर्बल वर्ग और एक असुविधाग्रस्त समूह। दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम, और असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं तो इनमें से जो भी एक शर्त आप पूरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं अन्य दो डॉक्यूमेंट की, जो कि है मूल निवास और आयु संबंधी दस्तावेज। पहला डॉक्यूमेंट बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स दूसरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि है निवास संबंधी प्रमाण पत्र। तो कई सारे अभिभावक ये सोचते हैं कि मूल निवास होना ज़रूरी है। दोस्तों मूल निवास हो या नहीं हो, अन्य डॉक्यूमेंट मैं आपको जो आप बता रहा हूँ, अगर आपके पास वो भी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें अगर आपके पास मूल निवास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप अपना या फिर पेरेंट्स का, दोनों में से किसी एक का यहाँ पे आधार कार्ड दे देते हैं जिसमें कि आपका एड्रेस मेंशन हो तो भी चलेगा। और अगर आप राशन कार्ड दे देते हैं मूल निवास की जगह तो भी चलेगा। अगर आप पेरेंट्स का मतदाता पहचान पत्र दे देते हैं माँ या पिता का तब भी चलेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं तब भी चलेगा। और अगर आप बिजली या पानी का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो और उसमें आपका एड्रेस हो सही से तो भी चलेगा। तो आप मूल निवास की जगह ये सारे के सारे कोई एक डॉक्यूमेंट काम में ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की, अंतिम डॉक्यूमेंट की, जो कि है आपके बच्चे का एज प्रूफ, यानी आपके बच्चे की एज ये है उसका प्रूफ। तो उसमें सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे का आधार कार्ड दे सकते हैं जिसमें कि बच्चे की डेट एकदम सही से हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप आंगनबाड़ी से अभिलेख लिखवाकर भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी मान्य होगा। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो बच्चे का जिस भी अस्पताल या सहायक नर्स द्वारा जो बर्थ हुआ है वहाँ का जो रजिस्टर अभिलेख है उसका प्रिंटआउट भी आप दे सकते हैं, तब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आप इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट काम में ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बच्चे की बर्थ के प्रूफ के लिए देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके मूल निवास के प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया ही था, जो कि है आप किस रास्ते से आवेदन कर रहे हैं। तो दो रास्ते मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से जिस भी रास्ते से आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित प्रूफ आपको तीसरे डॉक्यूमेंट के तौर पर देना पड़ेगा। जैसे कि आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो तीसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका 2.5 लाख रुपए या उससे कम का इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपको देना पड़ेगा। और अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं तो जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पे आते हैं उस कैटेगरी का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह बात।
बाकी फ्रेंड्स, जैसे ही 2 मई 2022 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आपको जॉबलक द्वारा एक नया वीडियो उपलब्ध होगा जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमारी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको निश्चिंत ही जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा और साथ ही वीडियो के माध्यम से भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी यानी डिटेल्ड वीडियो कि भाई एडमिशन कैसे होता है, बच्चे की लॉटरी कैसे निकलती है, इसकी रैंक कैसे आती है, उसकी वीडियो आज शाम तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।